अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करने जा रही हूँ। पाकिस्तान शोबीज इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा उशना शाह सिंगल नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, आप समझते गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। पाकिस्तानी शोबीज से वाबस्ता खूबसूरत मुतहरिक बासलाहियत और बेबाक अदाकारा उशना शाह ने तस्दीक की है कि वो अब सिंगल नहीं रही, बल्कि उन्होंने मंगनी कर ली है। दोस्तों, जैसे ही अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट शेयर की तो साथी अदाकाराओं और फैंस की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, अदाकारा उशना शाह एक बेबाक अदाकारा हैं। वो जानती हैं अपने लिए कैसा बोलना है और अपनी राय के लिए कैसे खड़े होना है। इन्होंने हर किरदार के साथ हमेशा अपनी सलाहियतों को साबित किया है। काफ़ी अरसा मदाहों को सस्पेंस में रखने के बाद अब अदाकारा ने इंकशाफ किया है कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। उनके खुशकिस्मत साथी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेशनल गोल्फर हमजा अमीन हैं। दोस्तों, हमजा अमीन पेशावराना तौर पर गोल्फ खेलते हैं और एशिया गोल्फ फेडरेशन के चेयरमैन तमूर हसन अमीन के बेटे भी हैं। दोस्तों, अदाकारा आजकल ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए ऑस्ट्रिया में मौजूद हैं। अदाकारा की मंगनी की तकरीब ऑस्ट्रिया के एक मशहूर कस्बे वेल्डन में हुई है। अदाकारा उशना शाह ने ईद के तीसरे रोज मंगनी करके फैंस को सरप्राइज दिया है। इंडस्ट्री के दोस्तों और मदाहों ने उशना को उनके नए रिश्ते पर दिल से मुबारकबाद दी है, जबकि कुछ दिल जले सोशल मीडिया सार्फीन ने इनके लिबास और हरकत पर तनकीद की है। उशना शाह ने अपनी मंगनी के मौके पर एक हरे रंग का गौन पहना हुआ है, जिसमें वो बेहद हसीन लग रही हैं। सोशल मीडिया सार्फीन ने उशना शाह को उनकी मंगनी पर जेतन किए गए लिबास पर तनकीद का निशाना बनाया है। तनकीद करने वालों का ख्याल है कि उशना शाह को मंगनी जैसे मौके पर अपनी रवायात को नहीं भूलना चाहिए था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।